बैंक रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में झांसा देकर 95,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है और पूछताछ में जुट गई है। साहबगंज में टाटा नमक की एजेंसी चलाने वाले बालकृष्ण तिबड़ेवाल का कर्मचारी विष्णु गौर फर्म का रुपया जमा करने PNB आया था। विष्णु के मुताबिक दो युवक आए और एक मोटी गद्दी दिखाकर कहा कि इसमें 5 लाख रुपए हैं, इसे बाहर लेकर आओ। हम लोग इसमें से आधा आधा बांटने लगे। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने उस गड्डी में से 500-500 के दो नोट भी निकाल कर दिखाए, जिससे लालच में आकर हमने वो गड्डी ले ली। तो उन लोगों ने कहा कि तुम अपना बैग दे दो, और वो बैग लेकर चले गए, जिसमें फर्म का 95,000 रुपया रखा था। लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी बार बार बयान बदल रहा था और वो कागज़ की गड्डी भी नहीं दिखा पाया। सूचना पर पहुंचे फर्म के मालिक बालकृष्ण और SPCT विनय कुमार सिंह ने बताया। योगी जी बता रहा है सर, बता रहा है सर, बताओ बताओ क्या हुआ था सर। हम यहाँ से जो पैसा जमा करके आए सर, यहीं बैठे दो दो लड़के आए हैं सर, और दो लड़के वो सब बंडल लाए हैं, हमें दिए हैं। अब हम सर रख लिए हैं, अब बाहर हम गए हैं अजूरत, उसको खोल के देखे सर कागज, और कागज तो उसको आगे बुलाए हमको, और आगे बुला के हमारा बैग छीन के सर ले गए। कहाँ से? यही रिक्शा वाले के पास सर, जो जूस वाली दुकान है सर, वहीं पर हमसे छीन के लेके चले गए। अरे इधर देखो सर, अभी बताओ कि तुम पहले क्या बताया, पहले तुम्हारा छीना वहाँ, पहले तुमने क्या बताया सर? हम झूठ बोल रहे थे, कहा झूठ बोल रहे, इधर देख के झूठ बोले सर, उधर पहले तुमने क्या बताया सर? पहले मैं बताया कि MG गली में छीना है। अब क्या बता रहे हो सर? हमारे साथ कोई चलाकी की हुई कोई, मैं यही जानता हूँ। किस तरह से हमारे साथ कोई चलाकी की गली आपसे? मामला ये हुआ हमारे साथ, हमको उल्लू बनाया गया है, बस ये बात सच है, पूरा सच सच बात है जो मैं साहब को बता दे रहा हूँ। अब साहब इस पे भी मत विश्वास माने, तो अब चाहे मारे चाहे कूटे, हम तो यही हमारे साथ कोई मार रहा है, यही हमारे साथ कैसे बनाया गया, क्या हुआ? जैसे मैं बैंक से निकला हूँ, बैंक से निकला हूँ, वो सब थे, और बैंक से मैं निकला हूँ, वो सब दो गड्डी रखे हुए थे। वो अगला कहा, मैं उसको भी नहीं चाहता हूँ, कहा चलो आधा आधा तुम लेना, आधा हम ले लेंगे। हम कहा ठीक है, अब वो चला गया, बताया कि आधा ले लेंगे। हाँ वो कहा कि आधा तुम ले लेना, आधा हम। तो क्या बताया पैसा उसमें? हाँ वो कह रहा पैसा सर, हमारे सामने दो नोट निकाला भी 5-5 सौ का, और उसका नंबर भी नोट किया, और नंबर नोट किया और रुमाल भी बांधा, कहा भाई तू ये रख, हम ये भी तू रख, प्लीज जब पोस्ट ऑफिस पे पहुँच, मैं पोस्ट ऑफिस पे पहुँचा, और कहा कि तू जा रहा है गाड़ी, अपना नंबर मोबाइल नंबर दे, मोबाइल नंबर में भी उसको दिया, और तू कह रहा कि विश्वास में कुछ अपना झोला दे दे, मैं अपना झोला उसको दे, मैं कहा मतलब मैं यही लालची, मैं लालची में आके मैं अपना उसका झोला दे, मैं हमको पैसा नहीं, बस मैं यही किया। और फिर उसके खोल के देखा कागज़ था, खोल के देखा कागज़ था, कागज़ मैंने फेंक दिया नाले में, अजुरंत आया मैं ऑफिस में, यहाँ पे रोने लगा अजुरंत भैया के पास में कॉल, बस इतना ही मेरी वो। क्या मामला सर? यही है कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए दिया था मैंने स्टाफ को, और ये मेरा स्टाफ है, कर्मचारी है, और यही अक्सर बैंक आता था, जमा करता था, और ये बैंक से निकला है। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको फ़ोन किया है रोते हुए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मैं आया तो पता चला कि ऐसा बात है, तो मेरे और इसके बात में जो टाइमिंग का फ़र्क था उससे थोड़ा शंका हमको भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं मैटर है। फिर वो 100 नंबर पे फ़ोन इसे कराया गया खुद ही, बाकी सब साहब लोग आए हैं तो उगल दिया है। कितने पैसे थे और कहां जमा था? इसमें दो बैंक का था, एक PNB का था जिसमें इसने पैसा जमा कर दिया था, एक 125 के आसपास था, और एक DCB बैंक का था, 95,000 रुपया, वही पैसा जो है
इधर उधर हुआ है। मेरे पास वो नमक की एजेंसी, टाटा नमक की एजेंसी है साहबगंज में, अन्नपूर्णा फूड्स के नाम से। बिछड़ू गौड़ नाम के एक मुनीब हैं, जग व्यापारी का पैसा जमा करने आज आए थे, उन्होंने PNB में पैसा जमा किया 1,00,000 रुपये। उन्होंने 100 नंबर पे डायल 100 पे सूचना यह दिया कि जो शेष पैसा था वो किसी बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे MG गली में, दो लड़कों ने उन्हें थप्पड़ मार के लूट लिया। हम लोग आए, मौके पर उनसे पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध प्रतीत होने लगी। जब थोड़ा और पूछताछ आगे बढ़ी तब इन्होंने टप्पेबाजी की बात स्वीकार किया है कि इनके साथ टप्पेबाजी की बात हुई है और बैंक में दो लोगों ने इन्हें मोटी गड्डी सौंप इनका पैसा एक्सचेंज कर लिया है इनकी सहमत से। आगे की पूछताछ के बाद और मामला प्रकाश में आएगा। प्रथम दृष्टया मामला लूट का संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जो सत्य सिद्ध हो गया कि लड़के के साथ लूट नहीं हुई है।